हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं, क्या हाल है आपके? आज सुबह के 7 बज रहे हैं और धूप देखिए कितनी गर्मी है। गर्मी की वजह से हम लोग ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहे हैं और लेट से वीडियो आ रहा है। आज हम खड़े हैं हाजीपुर सुगौली रेल लाइन है उस पर और इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो ये रेलवे लाइन है, वैशाली के आगे काम शुरू हो चुका है और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है इस रेलवे लाइन का। और इस बार तकरीबन 250 करोड़ रुपया, 143 किलोमीटर रेलवे लाइन का बजट, इस बार 250 करोड़ रुपया सबसे ज़्यादा बिहार में रेलवे लाइन को दिया गया है और काम भी तेज़ी से पूरा हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे राबिश उबिश डाला हुआ है, प्लेन किया हुआ है, पूरे मतलब तैयार है। पटरी का जो नीचे का होता है वो ढलाई वाला, वो भी देखिए रखा हुआ है किनारे किनारे में। और ये देखिए पुल का भी काम चल रहा है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हुआ है काम शुरू। तो दोस्तों देख सकते हैं पीछे में पुलिया का काम चल रहा है वो, और यहाँ से आपको क्लियर देख रहा होगा। देखिए पुल बन करके तैयार है, बिल्कुल रेडी है। और बता दें, हमारे एक सब्सक्राइबर है जो बता रहे थे कि ताजपुर महुआ समस्तीपुर रेल लाइन का काम के बारे में कुछ बताएं, तो उनके लिए मैसेज है कि वो उसका काम इस बार ताजपुर वाला रेलवे लाइन का काम इस बार नहीं होने वाला है। उसके लिए बजट में कोई भी पैसा पास नहीं किया गया है, उसमें लेट लगेगा उस काम के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आपको छपरा मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन के लिए लगभग 200 करोड़ रुपया मतलब दिया गया है उस फंड को, तो उस पर काम शुरू हो सकता है। लेकिन ताजपुर समस्तीपुर जो रेलवे लाइन है उसका मतलब कोई बजट नहीं पेश किया गया है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ आपसे बात हो जाए, इसलिए सुबह सुबह गर्मी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा तापमान है, जिसकी वजह से हम कहीं पे जा नहीं पा रहे और अच्छी जगहों का आपको वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक हो सका मैंने आपको इस रेलवे लाइन के बारे में बताया और ताजपुर के बारे में बताया और छपरा से जो मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन जा रही है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी। तो हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, ईद बाद में मौका मिलता है तो हम अच्छी जगहों का फिर टूर कराएंगे हम आपको। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।